टेंथ क्लास साइंस चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। देखो कैसे। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोफिया किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोफिया में दूर की वस्तु क्लियर नजर आती है, लेकिन नजदीक की वस्तु ठीक नजर नहीं आती। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं ना नजदीक से, तो हमें वो क्लियर नजर नहीं आता। उसके लिए कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। कन्वेक्स लेंस और प्रॉपर फोकल लेंथ चाहिए इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। लो पहला तो काम किया है, इन्हें डायग्राम बनाओ। लो देखो कैसे। लो ये डायग्राम मैंने बना दी है। ये आई बाल है, ये रेटिना है, ये आई लेंस है। अब जो वस्तु है ना, अगर जहां पड़ी हो तो वो क्लियर नजर नहीं आती। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है ये नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट कितना होता है? नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर। नजदीक, सबसे नजदीक हम जैसे बुक पढ़ते हैं नजदीक, जैसे ऐसे मैं नजदीक ले आऊं बुक को, तो कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये नजदीक इतनी बुक रखते हैं तो ये क्लियरली नहीं पढ़ सकता या क्लियरली नहीं देख सकता, तभी पढ़ेगा अगर देखेगा तो वो नियर पॉइंट होता है आम 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का। अब इसका जो नियर पॉइंट है ना, जहां तक वो क्लियर देख सकता, वो है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वो दूर जहां तक तो क्लियर देख सकता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर जहां तक हो, इसके आगे हो, फिर क्लियर नहीं नजर आता उसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इसकी जगह जहां पर हो जाए आ जाए तो वो उसे क्लियर नजर आएगा। कहने का मतलब, हम ऑब्जेक्ट को जहां से, इसका वर्चुअल इमेज कहां बना देंगे? जहां पर। तो इसको फिर ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, ये इस ऑब्जेक्ट को जहां पर ले आता है वर्चुअली, एक्चुअल तो नहीं आ रहा है, ये वर्चुअली जहां लेके आएगा, फिर इसका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो रेटिना पर आ जाएगा। लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है? -25 सेंटीमीटर। ये -25 सेंटीमीटर है, माइनस ही लेना क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। इमेज डिस्टेंस, इमेज अब कहाँ बन रहा है? इधर लेफ्ट साइड पे। कितना है? -1 मीटर। लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बन गया -100 सेंटीमीटर। एक बात याद रखनी है, जो हाइपरमेट्रोफिक काई होती है ना, उसका इमेज है ना, ये रेटिना से आगे बन रेटिना से पीछे बनता है। तो हमने इसको, इस इमेज को आगे की तरफ लेके आना, तो हमें कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल प्रॉपर लेंथ चाहिए होता है। लो आप फार्मूला लगा लेते हैं। लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। 1/v या 1/-100 -1/-25। -25 है यू की वैल्यू। अब ये बन गया -1/100, माइनस ऊपर ले जाओ, माइनस माइनस प्लस 1/25। एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम आ गया, -1 + 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ की वैल्यू अब आ गई 100/3, नीचे चल जाना 100/3 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट करना, तभी पावर डायोप्टर में आएगी। ये बात याद रखनी है। तो किससे डिवाइड करोगे? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से 100 कट गया, 1/3 मीटर आ गया। अब पावर निकालनी हमने। पावर इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला है। ये एफ ना मीटर में होनी चाहिए, फोकल लेंथ, तभी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 1/1/3। अब 3 ऊपर चल जाएगा, मैथ में आप पढ़ते हैं, 1 × 3/1 = 3 डायोप्टर। ये डी मतलब डायोप्टर होता है, इसका यूनिट है पावर का। कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 3 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर।
अगर ऑब्जेक्ट्स को 25 सेंटीमीटर के क्लोज रखा जाए, जैसे ये है, लो और दूसरी फिगर देखते हैं। लो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स को जे 25 सेंटीमीटर, ये आई लेंस है, जैसे नजदीकी बुक्स हम पढ़ते हैं ना, तो नजदीक रखते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक रखेंगे तो हमें साफ नजर नहीं आएगा, ब्लर्ड नजर आएगा। तो कहता क्यों क्लियरली हम नजर इसे क्लियरली पढ़ नहीं सकते, क्या कारण है? इसका कारण यह, ये जो लेंस है ना, ये अपनी फोकल लेंथ को ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये मसल सिलरी मसल है, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिससे क्या होगा, इमेज फिर जहां पर प्रॉपर नहीं बनेगा, ये कारण है। लो कैसे, लो देखें, अ नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बियॉन्ड द सर्टेन मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट तो अपा ओदी फोकल लेंथ आई लेंस दी नहीं घटा सकते, जे जो आई लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ हम अधिक घटा नहीं सकते। कहने का मतलब इसे और जे मोटा नहीं हो सकता, तो सिलरी मसल और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जे दोनों। अगे एज द सिलरी मसल्स ऑफ आई लेंस आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, जो सिलरी मसल्स हैं आई लेंस के, वो एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते, उससे आगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कहता जब कोई डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, लो देखते हैं कैसे। लो देखो, पहले वस्तु नजदीक पड़ी है, अब वस्तु हम दूर ले जा रहे हैं, जैसे थे इन्फिनिटी पर ले गए, तो इमेज डिस्टेंस ये है जो रेटिना और कन्वेक्स लेंस के बीच में डिस्टेंस है ना, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। कहता उसका क्या होगा, वो तो सेम रहेगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ था वो लेंस ही एडजस्ट करता है अपनी, तो इमेज कहां, इमेज हमेशा सेम रहता है, चाहे नजदीक देखो चाहे दूर देखो। तो लेंस दूर देखोगे तो लेंस पतला होता जा रहा है, नजदीक आओगे तो लेंस ने मोटा होता जाना, इसने अपनी पावर चेंज करते जाना है। तो और इससे क्या होता है, जो इमेज है वो हमेशा कहां बनता है, रेटिना पर। तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा, इमेज डिस्टेंस सेम रहेगा जहां से जहां तक। लो आंसर देखें, द आई लेंस ऑफ अ नॉर्मल आई फॉर्म्स द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, therefore the image distance in the eye remains the same। तो इमेज डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता रहता है।